अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप घर पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेफ़ होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम एक नई जगह का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि आदिल भाई ने कहीं से सुनी है कि यहाँ पे कश्मीर रोड पे कोई नई बेकरी खुली है जहाँ पे शायद अरेबिक शवारमाज मिलते हैं। तो वो हम आज ट्राई करेंगे कि वहाँ पर उस बेकरी में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। और सेकेंडली ये है कि लाइट, क्योंकि ये वाली जो हमारी ऊपर है ये एक ख़राब है, तो हम फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे शेडोज़ जो है ना हमारे इस वक्त ऊपर बन रहे हैं। वैसे ये है कि बचपन में मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह ये लाइट का शेडो पड़ रहा है, तो हम बचपन में बटरफ्लाइज और पता नहीं मछलियाँ और पता नहीं क्या कुछ बनाया करते थे, तो कुछ ऐसे था वो मेरा ख्याल है। ऐसे देखिए तो अभी जो है फ़िलहाल हम कश्मीर रोड पे हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सा रेस्टोरेंट है जो आदिल भाई ने सुना है कि भाई उसके काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स थे और काफ़ी अच्छा उसका रिव्यू था। वही बेकरी, सॉरी रेस्टोरेंट नहीं, बेकरी। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो वो जहाँ पे शायद वो एयरपोर्ट वालों का ऑफिस नहीं है, एयर सियाल का ऑफिस गुजर गया। तो फिर कहाँ पे है? इधर ही कहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये नहीं, बल्कि पहली बात तो हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि यार सबसे इम्पोर्टेंट, इसको अन्नों की तरह चला रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो हमारे चैनल के जो नीचे है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेल का जो आइकन है उसको भी क्लिक करके जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो कश्मीर रोड तो माशाल्लाह हमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो जो बेकरी है उसका कोई नामो निशान नहीं है। एयर सियाल हेड ऑफिस के बिल्कुल साथ हुई। तो अभी भी हमने गूगल मैप के ऊपर सर्च किया है और वो एयर सियाल का जो ऑफिस है उसके बिल्कुल साथ ही वो बेकरी है, जिसका मैंने पहले जो है वो आदिल भाई को बताया था कि वहाँ पे जो विच वन, ये कौन बोले, कौन बोले? अच्छा, तो जब तक हम लोग बेकरी तक पहुँचते हैं तब तक हम आदिल भाई से एक सॉन्ग सुनेंगे। आज आदिल भाई अपनी प्यारी सी आवाज में गाना जो है ना वो हमें सुना दें आज। मेरा ख्याल है कि बेकरी जाना ही बेहतर है, क्योंकि बेकरी आ जानी है और इनका जो सॉन्ग है वो स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको प्लीज़ आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ बीच में? बस एक सेकंड की बात है कि आगे कोई मेडिकल स्टोर, आगे मेडिकल स्टोर है, वहाँ से मैंने डिस्प्रिन बाय करनी है। बस इतनी मुश्किल से मैंने सोर लगा, आप लगा लें सोर आप। मेरे ख्याल से आप वो देखिएगा यहाँ पर एक करीब करीब है, वो फिर भूल ना जाए हम कहाँ पर है। भूल ना जाना, ओ जाने जाना। गाए गए आप? हाँ, ऐसे आपके व्यूज कम होंगे ना? नहीं नहीं, लोग मुझे क्यों कह रहे इसको कोई है ना जो ना यार, हम ये फिर वो है। तो ये है जी वो बेकरी जिसका नाम है आइडियल हेल्थी बेकरी, और अब हम वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि उनके पास क्या कुछ है खाने के लिए, और उनकी जो क्वालिटी है और टेस्ट है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको उसका रिव्यू देंगे। असल में जो बेकरी है वो थोड़ी सी ज़रा साइडवेज है, जिसकी वजह से वो हमें बिल्कुल, मतलब अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो आपको बेकरी नज़र नहीं आती, लेकिन अब अगर आप वहाँ से आ रहे हैं अपोजिट साइड से तो फिर आपको बेकरी जो है वो नज़र आ जाती है। अभी जो है हम जाएंगे बेकरी के अंदर
और देखेंगे कि ये हमें क्या कुछ ऑफर कर सकते हैं, इनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं खाने के लिए। जी बोल, मैं कुछ कर रहा था, शायद आपने लाइट हटा दिया यार, ये कोई तरीका है? बोले आप ग्रैंड, अब अंदर जाके देखते हैं। वापस आ चुके हैं, सामान जो है वो हमारे पास ही है कि मेरे हाथ में बकाया शॉपिंग बैग में है। तो हमने इनका जो है वो दो शवारमाज लिए हैं प्लस एक बीफ बर्गर है, और उसके अलावा एक और क्या था, हेल्दी सबवे है एक। तो चार चीज़ें हमने, या आप कह लें कि चार बर्गर्स हमने बाय किए हैं। और गाड़ी में बैठ के खाना तो इतना कम्फर्टेबल नहीं है, तो इससे हमने प्लान किया कि हम घर जा कर जो है वो उसको खाएँगे और फिर आपको जो है इसका रिव्यू देंगे कि इसका टेस्ट और क्वालिटी जो है वो किस तरह की है। अपेरेंटली जो दुकान की क्वालिटी थी लुक वाइज वो तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी बल्कि, और हाइजीन जो है उसका भी ख्याल किया गया था। और वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई थी जिस तरह की उनकी पेस्ट्रीज थी या काफ़ी स्वीट आइटम्स थी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देखने वाइज जो है वो लग रही थी लुक वाइज। पहले भी उन्होंने मुझे टोका बीच में कि तुम लुक वाइज क्यों नहीं कह रहे, तुम देखने वाइज क्यों कह रहे हो, यार फ्लो फ्लो में जो भी आता है बंदा बोल लेता है, उसकी हैर होती है। तो चीज़ें वहाँ पे बहुत मज़े मज़े की और प्यारी प्यारी सी पड़ी थी जिस तरह कि आपने देखा है वीडियो के अंदर। तो अभी क्योंकि हम उनका मेनली जो है वो शवारमा ही चेक करने गए थे, तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो शवारमा के ऊपर ही था, और जो उनका बर्गर था उनके ऊपर था, और पेस्ट्रीज वगैरह जो है उनकी जो स्वीट आइटम्स है वो हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, अगर तो हमें इनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी लगी। क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारा जो टेस्ट है वो बेसिकली अरेबिक टेस्ट से मैच करता है या अरेबिक टेस्ट है, क्योंकि जो ओनर है वो बेसिकली सऊदीया से आए हुए हैं। थे कि अभी एमपी के चेक पोस्ट बीच में आ गई थी, तो इसलिए मैं आपको मतलब कैमरा एंगल जो है वो चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि वहाँ पर आप कैंट के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए ज़रा उनके सामने छुपाना पड़ता है। तो बस अब घर पहुँचने वाले हैं, तो फिर आपको हम उसका जो टेस्ट है और जो शक्ल है वो रिव्यू करके दिखाएँगे, आपको बताएँगे कि क्या उसका टेस्ट वाकई अरेबियन टाइप का है या नहीं है। मैंने अभी तक ना वीडियो बनाना शुरू की है और ये पहले से जो है वो कुछ सब्र किया कर थोड़ा सा कि नहीं।
तो सबसे पहले जी हमने इनका खोला है अरेबिक शवारमा, जिसके अंदर इन्होंने जो इनकी जो रोटी है वो आम रोटी नहीं है, जो कि शवारमा के लिए जो शवारमा ब्रेड होती है वो नहीं है ये, बल्कि इन्होंने अपनी ही कोई बनाई है अरेबिक स्टाइल में। उसके बाद इसके अंदर चिकन है, उसके बाद पिकल्स हैं और प्लस फ्राइज़ भी इसके अंदर हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा ही कम्बिनेशन बनता है। तो साथ जो है इसके वो एक हेलापिनो सॉस भी दी गई है, जो कि लग रहा है कि अच्छी है। ठीक है सॉस के साथ ज़्यादा बेहतर है। चलो। और इसके अलावा एक गार्लिक सॉस भी है जो कि पड़ी हुई है उसके अंदर। ये है जी गार्लिक सॉस, जो कि मेरी हमेशा से ही फेवरेट सॉस रही है। और ये है इनका सबवे बर्गर, जो कि अभी तक बंद और मैं एक हाथ से खोल नहीं सकता। जब हम इसको खोलेंगे तब आपको दिखाएंगे, पहले मैं ज़रा वो खा लूँ, वरना ये भाई साहब जाना आगे निकल जाएंगे खाने में। तो अभी जी मैंने इसको अनरैप करना स्टार्ट किया है अपने शवारमा को, और अब क्योंकि वीडियो के चक्कर में हम बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से बैठे हुए हैं, कोई ज़रा सिम सिम खोले नहीं जा। तो अभी यह है कि हम एक जो बाइट है वो लेंगे हैलापिनो सॉस के साथ। भाई देखें, दो जगह से गिर रही है, मुझे ये समझ जाना है पकड़ूँ तो पकड़ूँ कहाँ से, मतलब गिराऊँ तो गिराऊँ कहाँ से, गिराऊँ तो गिराऊँ कहाँ से। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फर्स्ट बाइट हम लेते हैं इसकी। अच्छा, बड़ा टेस्ट आ रहा है उसका इसके अंदर। गिरने लगी। तो जो इनके हेलापिनो सॉस है काफ़ी स्पाइसी है और टेस्ट भी उसका अच्छा, लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो गार्लिक सॉस है। तो हम गार्लिक सॉस ढेर सारी डाल के चेक करते हैं। नॉर्मली है, कह रहा था कि अरेबियन टेस्ट है वो वाला, कोई सीन नहीं। मैं बहुत फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मैंने नेट पे देखे थे गलत कमेंट्स थे। तो असल में आदिल भाई ने नेट के ऊपर कमेंट्स देखे थे कि इसका टेस्ट बिल्कुल अरेबियन शॉर्मास की तरह है, लेकिन मुझे तो फिलहाल ऐसा फील नहीं हुआ। तो क्योंकि मुझे पता है कि अरेबिक शवारमा से क्या टेस्ट होता है, लेकिन वैसी कोई बात जो है वो नहीं है इसके अंदर। लेकिन वैसे टेस्ट वाइज बेहतर है, अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर शवारमाज, डिफरेंट एक चीज़ है। डिफरेंट चीज़ है। तो वैसे डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये है कि अरेबिक वाली चीज़ जो है ना वो नहीं है कोई, सारा कुछ गिर जा रहा है। इंट्रो इंट्रो प्लीज़, इंट्रो करवाएं दरमियान में आके, उतारना कैसे इसको। अब आदिल भाई आपको सब वे जो है बर्गर उसका इंट्रो करवाएंगे, और आपने ना इधर देखना है कैमरे के अंदर, ठीक है, स्क्रीन पर देखना, इंट्रो करवाएं, खाना ना शुरू हो जाए। ये आप इसकी जो है ना खाने से पहले आप इसका बाहर से व्यू चेक कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ से जो है ना चीज़ बाहर निकलती नज़र आ रही है, जो कि अब मेरे मुंह में जाएगी, और ये मैं इसका पहला बाइट देने लगूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, होपफुली कि अच्छा ही हो, क्योंकि शवारमे का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। तो ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं। विदाउट सॉस तो सो सो है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है। इसको मैं सॉस के साथ चेक करना चाहूँगा, जो कि मेरी सॉस ख़त्म हो चुकी है, आ नहीं रही अब।
सॉस के साथ कुछ बेहतर हुआ कुछ। ये ट्राई करें गार्लिक, अभी गार्लिक सॉस मुझे रह रहा भाई नहीं पकड़ाई गई, ये भी ट्राई करो। ये मैंने गार्लिक सॉस डाल दी, गार्लिक सॉस के साथ भी मुझे तो सेम फील ही आ रही है, बस ये कि जिसमें चीज़ें ऐड हैं वो फ्रेश हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि हर चीज़ का प्रॉपर अपना टेस्ट आ रहा है, सब कुछ फ्रेश है। और ओवरऑल अगर आप टेस्ट देखा जाए ना तो वो कोई ये नहीं कि बहुत कोई अच्छी चीज़ है, 220 का, 220 में आपको नॉर्मल ठीक है, 220 में आपको और क्या दें। और शवरमा की प्राइस बता दें, शवरमा की प्राइस मुझे अभी याद नहीं करती, बट ये वो नहीं है जो मैंने इसके नेट के ऊपर जो मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे जो लोगों ने तो बहुत हवाई बातें लिखी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है बट ठीक है। अगर अपनी सीट पे तो शीप वापस ले जाएं, इससे बेहतर बेकर जिनके, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा। अभी कुछ मैं ज़रा गला साफ कर लूँ अपना, आप गला साफ करो उतनी देर में बर्गर साफ कर दूँ। बात यह कि हम ये नहीं कह रहे कि टेस्ट बुरा है, टेस्ट अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से या अपनी क्वालिटी के लिहाज से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी, लेकिन एक बंदा जहन बना के गया हो क्या अरेबिक टेस्ट आएगा और ऐसी चीज़ होगी, जिस तरह के हमने कमेंट्स पढ़े, जिस इन्होंने बल्कि कमेंट्स पढ़े और मुझे इन्होंने बताया, तो मेरा भी वही माइंड था कि शायद अरेबिक चीज़ होगी, कुछ ना कुछ अरेबिक होगा, लेकिन अरेबिक नहीं है, लेकिन अपनी क्वालिटी में रह के अपने स्टैंडर्ड्स में रह के बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम पहले सिंपल बाइट लेते हैं, अभी तो हाली बानी मुँह में कैसा चिकन तो आया नहीं बीच में, यहाँ से ट्राई करते हैं। बड़ा हो गया काफ़ी, तो आदिल भाई वाली बात है कि बन फ्रेश है, चिकन फ्रेश है, जो बीच में इंग्रेडिएंट्स हैं वो फ्रेश हैं, लेकिन टेस्ट वाइज थोड़ा सा मतलब है, बात वही है कि हमारा माइंड है कि जी अरेबिक चीज़ होगी, अरेबिक टेस्ट होगा, तो वो वाली चीज़ नहीं है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो उसके मुताबिक अच्छा टेस्ट है। और अब आदिल भाई खोल रहे हैं बीफ बर्गर, खुल जाएगा आज, ये बीफ बर्गर ग्रिल्ड, अभी खोल के चेक करेंगे ग्रिल्ड है कि क्या है, मुझे खुद नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको हम इसका भी रिव्यू देंगे। जहाँ तक बात रही चिकन बर्गर्स की तो वो हर कोई बना लेता है, लेकिन बीफ बर्गर और फिश बर्गर, ये दो बर्गर्स ऐसे हैं कि जो आम रूटीन में नहीं बनते या आम रूटीन में लोगों को बनाना नहीं आता, तो इसको हम चेक करेंगे इसका टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि स्मेल इसमें है कि नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा हमने खाया है तो फिश कच्ची रह जाती है और बीफ बर्गर में स्मेल बहुत आती है, स्मेल इसमें से आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, थोड़ी बिल्कुल माइनर सा कुछ मुझे फील हो रहा है, पर वो बीफ के नहीं आ रही सॉस, तो ये आप इसका देख सकते हैं, इसको इंटरनली व्यू आप देख सकते हैं, नजर आ रहा होगा अंदर से, क्योंकि हमारे हाथ गंदे हैं तो हम आपको दिखा नहीं सकते दूसरे तरीके से, पर अभी मैं इसका बाइट लेके चेक कर दूँ कि ये चीज़ क्या है। उससे चिकन से बीफ मुझे कुछ हद तक बेहतर लगा, क्योंकि बीफ जो है ना बहुत कम लोग सही बनाते हैं, प्रॉपरली जो है ना कुक्ड है और
सेम वो ही बात, बन इसका फ्रेश है, बीफ भी फ्रेश है, अंदर चीज़ें सारी इनकी फ्रेश हैं, मटेरियल फ्रेश है, लेकिन जो हमने सुना था या देखा था वो चीज़ नहीं है। वो नहीं। इसको भी हम सॉस के साथ चेक करेंगे थोड़ा, अगर तो सॉस खत्म किया जाओ, सॉस मेरी निकल है क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी है। तो दूसरी के साथ चेक करूंगा गार्लिक के साथ, बस ठीक है वो अंदर इसको कर लेना डिप, ऐसे नहीं डिप कर ले अंदर। माइनर सा स्पाइसी है, उनका ये है कि चीज़ अब हरियाणा पे रिव्यूज देंगे। क्या लगा आपको, आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा? मुझे चिकन से कुछ हद तक बेहतर लगा। तो अब हम लोग करेंगे बीफ बर्गर का रिव्यू और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो मैं पहले ही जो है वो सॉस के साथ खाना चाहूँगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉफ्ट भी है, वेल कुक भी है। ये हरारा भाई का प्यार है, मोहब्बत है कि मैंने काट देना बीच में से कल बोलने बोले बोले कोई बात नहीं, बोल लो तुम, बोलो 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 ये रेडी लग तुम बीच में आ गए। मुझे ऐसे फील हुआ लास्ट बाइट के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किस में मशरूम्स भी हैं, फिर वो लास्ट बाइट में मशरूम्स होंगे फील हुआ मुझे, एग्जैक्टली पता नहीं है, खोल कर मुझे जो है ना मशरूम का टेस्ट आया है, पर ये ओपन नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल जो है ना जुड़ा हुआ है। मे भी शायद मेरा वहम हो, लास्ट बाइट सॉस के साथ और ये मेरी बाइट जो उन सब फॉलोअर्स जो न्यूली जिन्होंने ये पेज लाइक किया, चैनल सब्सक्राइब किया। और मुझे बात याद आ गई, एक मिनट ठहर जाएं, हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं जब भी हम पार्टी करते हैं तो वो हमें कहते हैं जी हमें आपने इनवाइट नहीं किया, तो लास्ट बाइट जो है मैं उन सबको देना चाहूँगा, मैं सब ठीक है हाँ, तो उन सबको जो है वो हमारी तरफ से लास्ट बाइट, क्योंकि आप मुझे लास्ट पे याद आए हैं बाइट, तो उनमें जो है वो तीन चार लोग हैं जिनको जाना हमेशा पार्टी में इनविटेशन चाहिए होता है, तो ये आप लोगों को स्पेशली लास्ट बाइट हमारी तरफ से, आप आ करें और खा लें इधर कैंप। उन्होंने खाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाने पीने का सीन हमारा हो चुका है एंड, क्योंकि शुक्र अल्लाह का कि चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई हैं, वरना कुछ लोग तो खा ही जाते हैं खा ही जाते हैं। वैसे मैं भी बीच में पूरा पूरा क्या कहते हैं पूरा पूरा साथ देते हैं साथ देता हूँ हाँ, तो मैं मतलब किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जो शुरुआत होती है ना उसमें मैं ब्लेम करना चाहूँगा एक इंसान को जिसको आप लोग सब जानते हैं। तो खैर, आज का हमारा जो फूड रिव्यू था उसकी वीडियो यहाँ तक ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नई चीज़ के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, ये नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है इसको क्लिक करो, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ये क्या होता है, बाय बाय फ्रेंड्स को करूं। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। हो जाओ।